सैमन का। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द पॉइंट एम इंटू -1, 4 एन -5, 3 P, 1 -3 एंड Q, 5 -2 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरालेलोग्राम। ये एक वर्टिसेस हैं किसके? पैरालेलोग्राम के। तो पहले आप पैरालेलोग्राम बनाएं। ये इस तरह की पैरालेलोग्राम होती हैं, एम एन पी क्यू, इसके ये वर्टिसेस हैं। ये वर्टिसेस ये गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, यानी इस पॉइंट पे ये वैल्यू है। और एक्चुअली ये होते हैं ग्राफ पे, ग्राफ पे ये ड्रा भी हो सकते हैं पॉइंट्स, ये उस पे ड्रा करने होते हैं। तो पॉइंट्स पे एक्स और वाई की वैल्यू वहीं ग्राफ के अकॉर्डिंग ही होती है ना, उसी पे पता चलता है हमें। तो ये एक पैरालेलोग्राम हमने सपोज कर ली है, ये पैरालेलोग्राम है। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो एक्सरसाइज हैं इनमें डिस्टेंस फार्मूला ही यूज होता है। डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। पहले आप डिस्टेंस फाइंड कर लें m से लेके n तक। अच्छा, पैरालेलोग्राम की आपने डेफिनेशन याद की होगी, पैरालेलोग्राम की डेफिनेशन क्या थी? अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल या अनइक्वल होती हैं शाहजेब, ये चैप्टर नंबर 11 की हमने की थी ना, पैरेललोग्राम के थ्योरम समझे थे। हाँ जी, इक्वल होती हैं। चलें जी, ये एक पैरेललोग्राम है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, एम से लेके एन तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे उसी डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, वो आएगा यानी x2, ये वैल्यू होगी m से लेके n, n n में होगी x2, और y2 की वैल्यू m में होगी y1 x1 और y1 की वैल्यू। तो -5 -(-1) -5 -(-1) होल का स्क्वायर प्लस, और फिर y2 की कितनी होगी, 3 -4। तो ये आ गया 3 -4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √17। ये अब मैं प्लस माइनस का नहीं बता रहा, बार बार ये क्वेश्चन में कर रहे हैं, टाइम कम है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि ये एम एन की वैल्यू आ जाएगी √17। फिर आपने फाइंड करना है, ये एम एन आ गया तो इससे आगे एन पी फाइंड करेंगे उसी डिस्टेंस फार्मूले से, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो इसमें जो x2 की और y2 की होगी वो p के अंदर होंगी, x1 और y1 की जो होगी वो n के अंदर होंगी वैल्यूज। तो वो आप पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा √72। √72 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 टाइम्स होता है ये 36 का। 36 का अंडर रूट निकालेंगे वो होता है 6, तो ये आ जाएगा 6 बाहर √2। तो एन पी की वैल्यू आ गई है 6 √2। फिर देखें एन पी के बाद कौन सी साइड है, पी क्यू, तो आप पी क्यू फाइंड करेंगे। अब क्यू वाली वैल्यूज जो होंगी वो x2 y2 की होंगी, और पी वाली x1 y1 की होंगी। वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा PQ√17। फिर पी क्यू के बाद देखें, पी क्यू के बाद क्या है, क्यू एम, क्यू एम फाइंड करेंगे, क्यू एम की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आपके पास आएगी √6। तो आप देख लें कि ये जो जो अपोजिट साइड्स थी, यानी एम क्यू की अपोजिट कौन सी साइड है, एम क्यू के अपोजिट है एन पी, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होंगी। एन पी की का क्या आंसर आया, एन पी का √6, और एम क्यू का भी आंसर आया √6। इसी तरह ये जो आपने फाइंड किया है एन पी या एम एन से लेके पी क्यू का डिस्टेंस, एम एन का कितना है √17, और पी क्यू का भी √17, ये अपोजिट साइड इनकी इक्वल है, तो इट इज अ पैरालेलोग्राम। अब इसका एनी वन डायगनल डिस्टेंस, इसका डायगनल डिस्टेंस चेक करते हैं एम से लेके पी तक, या एन से लेके क्यू तक डिस्टेंस चेक करते हैं एन क्यू। तो फर्स्ट इसमें जो x2 और x y2 की वैल्यूज होंगी वो क्यू में होंगी, और एन में x1 और y1 की वैल्यूज होंगी, वो इसमें पुट करेंगे, आंसर आएगा √120 125। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम में देखें यहाँ पे जब इसका डायगनल लेंगे एम से लेके क्यू तक, तो फिर एक 90 का एंगल बनेगा, और दूसरा इनका देखना है आपने कि पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं होता।
आप देखें कि ये क्यू से लेके एम होल का स्क्वायर, यानी ये किसका स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू एम एम एन क्यू एन ये आपने फाइंड किए हुए हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखेंगे कि ये इसका इस तरफ जो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर को सम करने से आ रहा है 89 विच इज नॉट इक्वल टू 125। रीजन आप लिखेंगे दे आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रही, बट इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। यही आपने प्रूव करना था, ये जो पैरेललोग्राम में ही अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ आई है इस क्वेश्चन की। फार्मूला बस एक ही यूज करना है आपने, बस कंडीशन याद रखनी है पैरेललोग्राम की कौन सी कंडीशन है। नेक्स्ट समझ आ गई है आदिल, आप इसको मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से इसकी हेल्प ले लीजिएगा और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड कर दूंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट सी -3, 6 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 3। ये जो लेंथ सेंटर का दिया हुआ है एक सर्कल का ये सेंटर दिया हुआ है, सेंटर सी -3, 6 और इसके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट गिवन है पी इंटू 1 और 3। ये कोई पी कोई सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है 1 और 3 का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सर्कल का एक सेंटर पॉइंट दिया है सी इंटू -3, 6 और इसके सर्कमफेरेंस इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट है, उसकी वैल्यू दी है 0.1 और 3 और हमें कहा गया है इसका डायामीटर फाइंड करें। ये सी से लेके पी तक तो इसका रेडियस होगा सर्कल का, सी से लेके पी तक क्या होगा शाहजेब, क्या होगा रेडियस होगा, सी से लेके पी तक रेडियस होगा और डायामीटर कंप्लीट होता है, डायामीटर कंप्लीट इसके सेंटर से पास होके कंप्लीट लाइन ये वाली जो होती है वो डायामीटर होता है, जिसका फार्मूला क्या है डायामीटर यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा डायामीटर आएगा। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि इसी इतनी ही लेंथ सर्कल में कंप्लीट होती है जो सेंटर से पास होती है, तो 2r डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r। पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करने के लिए c से लेके p तक का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इससे cp डिस्टेंस यानी रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा cp। तो यहाँ पे p में जो होंगी वो x2 y2 की होगी, c में जो होंगी वो x1 y1 की होंगी। तो x2 -x1 x2 1 है 1 माइनस इंटू x1 x1 है c में -3 होल का स्क्वायर प्लस फिर है y2 -y1 y2 है 3 माइनस y1 है 6 3 -6 होल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 होल का स्क्वायर 3 -6 -3 होल का स्क्वायर 1 प्लस 3 होल का स्क्वायर 1 प्लस 3 क्या होगा 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 -3 का स्क्वायर आएगा 9 16 प्लस 9 होगा अंडर रूट 25 सी पी इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया रेडियस, सी पी का क्या था सी पी रेडियस था, हमने फाइंड करना है डायामीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर क्वेश्चन में है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर। तो डायामीटर के लिए आपने क्या करना है, इसको रेडियस जो आया है इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, डायामीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस यानी 2r, 2r की वैल्यू है किसके इक्वल है cp डिस्टेंस के, cp डिस्टेंस आया है 5, 2 5 10, ये होता है डायामीटर। ये हमने फाइंड कर लिया है डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब कोई क्वेश्चन है?